ईशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आ गई है। उस पोस्टमार्टम में कई बड़े खुलासे हुए हैं। उन खुलासों के बारे में सुनेंगे आप, तो आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, ये देखिए, दीशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है दीशा का नाम, पूरा नाम दीशा सतीश सालियान। उसके बाद नीचे इसमें लिखा है इसका टाइमिंग। अब ध्यान दीजिए सारी बातों पर। इसका टाइमिंग है शाम 4:30 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुरू होती है, पोस्टमार्टम इसका शुरू किया जाता है। उसके बाद 5:30 बजे पोस्टमार्टम खत्म हो जाती है, ये टाइमिंग दिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 1 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है। और इसके साथ जो डेट दी गई है उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए इसकी डेट है 11 जून 2020, यानी कि दीशा की मौत के कुछ दिन बाद। दीशा की मौत हुई थी 8 जून की रात को, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई या पोस्टमार्टम किया गया वो है 11 जून को। चौंकाने वाली बात है। और अब जो सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है वो है ये, इसमें पॉइंट नंबर 7 है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है कि जिसकी डेथ हुई है उसका सेक्स क्या है, उसकी एज क्या है और उसकी कास्ट क्या है, कपड़ों का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये पूछा गया है पॉइंट नंबर 7 में। और इसका आंसर है फीमेल, 28 साल, हिंदू और न्यूड बॉडी, यानी कि उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। न्यूड बॉडी की बात सिर्फ एक बार नहीं, दोबारा हुई है इसके अगले ही पॉइंट में, पॉइंट नंबर 8 में। सुनिए, कंडीशन ऑफ द क्लॉथ, वेदर वेट विद वाटर, स्टेन्ड विद ब्लड और स्वाइल्ड विद वॉमिट। और इसका भी जवाब है न्यूड बॉडी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि दीशा सालियान की बॉडी बिल्कुल न्यूड थी, उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। बावजूद इसके पुलिस ने कोई जांच नहीं की, सीधा इसे सुसाइड घोषित कर दिया। और जो सबसे बड़े सवाल हम करना चाहते हैं या पूरी देश की जनता करना चाहती है मुंबई पुलिस से, वो है ये कि दीशा के शरीर पर कपड़े नहीं थे तो पुलिस ने इस एंगल से इस केस की जांच क्यों नहीं की। दूसरा सवाल सुनिए, क्या मुंबई पुलिस ने दीशा सालियान की केस से जुड़ी फाइल इसलिए डिलीट की क्योंकि जब बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से दीशा सालियान की केस की फाइल मांगी तब मुंबई पुलिस ने कहा कि गलती से उनकी फाइल डिलीट हो गई है, क्या ये वही वजह थी इसलिए फाइल डिलीट हुई। तीसरा सवाल, क्या इसलिए मुंबई पुलिस ने दीशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिहार पुलिस को नहीं दी क्योंकि बिहार पुलिस ने रिपोर्ट मांगी थी लेकिन मुंबई पुलिस ने नहीं दी। चौथा सवाल, क्या इसलिए दीशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की जांच नहीं करने दी बिहार पुलिस को, बहुत बड़ा सवाल है। पांचवा सवाल सुनिए, मुंबई पुलिस ने क्यों दीशा सालियान की मौत को सुसाइड घोषित कर दिया फौरन और इसके कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी सिर्फ 15 मिनट में सुसाइड घोषित कर दिया। तो हमने आपके सामने दीशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश कर दी, आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि उस पोस्टमार्टम में क्या लिखा हुआ है, कितने बजे पोस्टमार्टम हुई, ये सारे सवाल जो हैं, ये जो सारी रिपोर्ट है चौंकाने वाली है और जो हमने सवाल किए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। फ्रेंड्स, क्या कहना है आपका इस पोस्टमार्टम के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुंबई पुलिस से क्या सवाल आप भी करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।